नमस्कार, वक्त हो गया है पांच की आंच का। मैं हूं अपर्णा मौजम और हम हाजिर हैं पांच की आंच की इस बुलेटिन में पांच बड़ी तस्वीरों के साथ। हम बात करेंगे एग्जिट पोल और उसके बाद नेताओं की बयानबाजी की। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे भिंड की तस्वीर जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर दहशत फैला दी। साथ ही बात होगी छतरपुर और बिलासपुर की भी, जहां अतिक्रमण पर चला है बुलडोजर। मध्य प्रदेश में नहीं रुक रहा अवैध खनन, इस पर भी हम बात करेंगे। और बदमाशों ने कहां की है तोड़फोड़, उन दो शहरों की तस्वीरें भी और वहां के हालात के बारे में भी आपको देंगे ब्यौरा। और साथ ही बात होगी रायपुर में आज हो रहे T20 क्रिकेट मैच की भी। तो ग्वालियर की बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, जहां युवक को बेरहमी से पीटा गया है। युवक के पैर पर पत्थरों से हमला कर उसके पैर तोड़ दिए गए। बिजौली रोड पर टोला नाका के पास ये घटना हुई है। बिजौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी अब पुलिस हासिल कर रही है। क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कौन कौन लोग थे, तमाम और बातों की जानकारी हासिल करने में लग गई है पुलिस, जो बातें इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए बेहद जरूरी है। तो ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां युवक को बुरी तरह से पीटा गया है। उसके पैरों पर पत्थरों से ऐसा हमला किया गया कि उसके पैर तोड़ दिए गए। अब पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और घटना को लेकर तफसील से जानकारी हासिल करने में जुट गई है। तो बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता रहे हैं, जहां युवक को बेरहमी के साथ पीटा गया है। और अब बात कर लेते हैं एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल के सामने आते ही नेताओं के बयानों का एक दौर भी शुरू हो गया। सब अपनी अपनी जीत का दावा करने में लग गए। नेताओं की जीत के दावे अब भी जारी हैं और वे एक दूसरे के विपरीत अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मध्यप्रदेश में 230 सीटें, मध्यप्रदेश में बीजेपी की सरकार बन सकती है। गुरुवार को पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया और फिर एग्जिट पोल के रुझान भी आने शुरू हो गए। इधर जैसे ही टीवी पर एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हुए, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बयानों का दौर भी शुरू हो गया, जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात एमपी की करें तो वहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि एक बार फिर से एमपी में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। केंद्र और राज्य की योजनाओं का जनता को लाभ मिल रहा है, इसीलिए यह तय है कि एमपी में बीजेपी आएगी। ग्वालियर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और जनता का प्यार और आशीर्वाद, केंद्र की योजनाएं भी, चाहे वो पीएम गरीब कल्याण योजना हो या पीएम किसान सम्मान निधि हो, पीएम आवास योजना हो, चाहे हमने पीएम किसान सम्मान निधि में सीएम किसान सम्मान निधि या कल्याण योजना की राशि जोड़ी हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो या अन्य बहुत सी योजनाएं, ये उन्हीं को ढंग से नीचे पहुंचाने का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में बनने जा रही है, अब हम लोग 48 घंटे के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर से बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद पटेल ने भी दावा किया है कि 2023 में 2003 को दोहराया जाएगा। एग्जिट पोल के अनुमान भी यही बता रहे हैं। तो अपने बयान से सुर्खियों में बने रहने वाले बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने भी ये दावा किया कि 3 दिसंबर को कई राज्यों में बीजेपी की भारी बहुमत से जीत होगी। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि 3 से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। भारी बहुमत से राज्यों में, राज्यों के बहुमतों से जीत होगी। हम इस पर नहीं कुछ बोलते कि 5 में से, लेकिन मुझे 5 में से 3 तो मस्ट जीतूंगा, 3 से 4। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश पांडे ने एग्जिट पोल पर कहा कि थोड़ा सा कांग्रेस के पक्ष में एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है। तो कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने दावा किया कि 3 दिसंबर को कांग्रेस को बहुमत मिल जाएगा। एग्जिट पोल की बात अलग है, लेकिन हम पूरे बहुमत से आ रहे हैं। एग्जिट पोल में स्लाइटली जो एज है वो कांग्रेस के पक्ष में दिया है, लेकिन कांग्रेस के नेता जितना बोल रहे थे 75 पार और ये,
तो उससे लगता कि कांग्रेस के एक्सपेक्टेशन से काफी नीचे आया है। कोई मुश्किल नहीं होगा, भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बना रही है ये तय। इधर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे परसों का इंतजार है और मेरा आकलन है कि बीजेपी की करारी हार होगी। वहीं बीजेपी की हार से इंडिया गठबंधन का हौसला बुलंद होगा। नहीं, मुझे परसों का इंतजार है और मेरी इच्छा भी है और मेरा आकलन भी है कि भारतीय जनता पार्टी की पराजय होगी। 2014-2019 में प्रधानमंत्री ने जो दावे और वायदे देश की जनता से किए थे, जनता के एक बड़े उत्साह और उमंग के साथ उनको विजयी बनाया था। इस पराजय से इंडिया गठबंधन का हौसला बुलंद होगा और 2024 के विजय की पटकथा लिखने का सिलसिला भी प्रारंभ हुआ। फिलहाल एग्जिट पोल के अनुमान और नेताओं के बयान चाहे जो भी हों, लेकिन इंतजार 3 दिसंबर का कीजिए, जब ईवीएम खुलेगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जो सियासी घमासान छिड़ा हुआ है उसी पर बात करने के लिए भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। शैलेंद्र, देखिए एग्जिट पोल की खासियत ही ये है, जिसके पक्ष में नंबर दिखा रहा है वो पार्टी कह रही है कि भाई हमारे नंबर तो इससे कहीं ज्यादा आएंगे, और जिसके पक्ष में नंबर नहीं दिखा रहा है वो कह रहे हैं कि ये तो बस एग्जिट पोल है जनाब, एग्जैक्ट पोल नहीं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से एग्जिट पोल जारी होने के बाद मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है, जहां बीजेपी एग्जिट पोल के बाद उत्साहित नजर आ रही है। वो साफ तौर पर ये कह रही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं जो गरीब कल्याण के काम किए गए या लाडली बहना योजना जो चलाई गई, उसका सीधा सीधा लाभ जो है चुनाव में बीजेपी को मिल रहा है और बम्पर जीत जो है बीजेपी दर्ज कराने जा रही है। 2003 का हवाला दिया जा रहा है, क्योंकि 2003 वो समय था जब दिग्विजय सिंह दो बार से वो मुख्यमंत्री थे, 10 साल का शासन लगातार कांग्रेस का था। उसके बाद बीजेपी ने यहाँ बड़ा कमबैक किया था और उसके बाद से लगातार 2018 के से लेकर 20 का 15 महीने का कार्यकाल छोड़ दे तब से लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी काबिज है। वही अगर दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी दल, खासकर अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करूं, तो कांग्रेस जो है वो इस तरह के एग्जिट पोल से इत्तेफाक नहीं रख रही है। वो ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल जो है वो सही नहीं है, उनको भ्रमित जो है गलत तरीके से पेश किया गया। इस बात को खुद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी कह चुके हैं, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी कहा है कि एग्जिट पोल में नहीं पड़ना है, आपको 3 तारीख की मतगणना पर ध्यान देना है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मतगणना बहुत जरूरी है, मतगणना को प्रभावित करने के लिए, कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने के लिए इस तरह के आंकड़े जो है वो पेश किए जा रहे हैं। तो दोनों ही राजनीतिक दल जो है वो अब इन एग्जिट पोल को अपने अपने तरीके से देख रहे हैं और मतगणना का इंतजार, देखिए एग्जिट पोल है, कोई फाइनल नतीजे नहीं है, बार बार जो है वो कहा जाता है ये एग्जिट पोल है। जनता ने जिस तरीके से जो रुझान जो दिए है, चाहे वो सर्वे एजेंसी हो या फिर जो चैनल से जो सर्वे किए, वो जनता के रुझान के आधार पर फाइनल आंकड़े तो 3 तारीख को जब मतगणना होगी उसके बाद ही सामने आएंगे। लेकिन बिल्कुल, जब 3 तारीख को मतगणना होगी तभी जो आखिरी तस्वीर है वो सबके सामने होगी। और लगातार हम दर्शकों से कह भी रहे हैं कि सुबह 6 बजे से ही 3 तारीख को वो अपने टीवी सेट के आगे बैठ जाए और न्यूज 18 नेटवर्क को देखना शुरू कर दे, क्योंकि यहीं पर उन्हें मिलेगी पहले रुझान से लेकर जो आखिरी तस्वीर तक होगी, यानी कि फाइनल रिजल्ट, वो उन्हें देखने को मिलेगा। लेकिन बात यहां पर करें सियासी गर्माहट की, तो भले ही पारा गिर रहा हो, भोपाल में भी सर्दी की आहट हो चुकी है, वहां पर तापमान में गिरावट है, लेकिन सियासी पारा बढ़ा हुआ है क्योंकि आप भोपाल में हैं शैलेंद्र, लगातार आवाजाही नेताओं की वहां पर हो रही होगी, तो अगर हम पॉलिटिकल गैलरी की बात करें तो वहां पर किस तरह की गर्माहट है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे ही ग्वालियर पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले यह बयान दिया कि डबल इंजन की सरकार पर एक बार भरोसा जताने जा रही है, चाहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो या प्रहलाद पटेल की बात हो, सभी लोग इन आंकड़ों से इत्तेफाक रख रहे हैं। न केवल इत्तेफाक रख रहे हैं बल्कि ये कह रहे हैं कि ये आंकड़ा और आगे तक जाएगा, ये एग्जिट पोल है, इससे आगे जो है वो बीजेपी जीतने जा रही है। जिस तरीके से देखिए चुनाव के शुरुआत में जिस तरह केंद्रीय गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश की कमान संभाली थी और 150 पार का नारा दिया था, तो उस नारे को जो है वो अब कोट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 150 पार की बात कही थी, और एग्जिट पोल में भी उसी तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब से कुछ देर पहले ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला का एक ट्वीट सामने आया और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इस तरह के एग्जिट पोल में नहीं पड़ना है, 135 प्लस जो है वो कांग्रेस जीतने जा रही है, 18 साल के कुशासन को जनता सबक सिखाने जा रही है, इस तरह की बात जो है वो जो रणदीप सुरजेवाला है जो कांग्रेस के नेता है उनके तरफ से की जा रही है। तो तमाम
जो बयान है वो लगातार जारी है। अब से कुछ देर पहले मध्यप्रदेश सरकार के जो पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने तो साफ तौर पर ये कह दिया कि एग्जिट पोल नहीं बल्कि बिल्कुल, तो कहा मैंने शुरुआत में ही कि जिन्हें एग्जिट पोल के नतीजे जिनके फेवर में नहीं है तो उन्हें विश्वास भी नहीं है, वो लगातार कह रहे हैं कि भाई आप एग्जिट पोल का इंतजार कीजिए। रायपुर से ममता लांजेवार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होंगी। ममता, लगातार हम आपसे चर्चा कर रहे हैं किस तरह से वहां पर गहमा गहमी बढ़ी हुई है, खासतौर पर एग्जिट पोल की तस्वीर के बाद। अब जरा आप ये बताएं कि क्या इनपुट आपको मिल रहा है, विधायकों को लेकर किस तरह के निर्देश दिए गए हैं, एग्जिट पोल को लेकर किस तरह से सियासी बयानबाजी वहां पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए एग्जिट पोल के में जो कुछ भी दिखाया गया उसके बाद में भले ही पार्टी इनकार कर रही है, कांग्रेस का कहना है कि हम 75 पार के नारे पर हैं और 75 पार सीटें आएंगी। उनका कहना है कि जब हम विपक्ष में थे हमने कुछ नहीं किया था, लेकिन सरकार में आने के बाद तो हमने काम किया है। उसके बाद जो उस पिछली बार जो सीटें मिली थी उससे कहीं ज्यादा सीटें जो है वो मिलेंगी। बहरहाल दावे अलग बात है, लेकिन ये जरूर है कि प्रत्याशी जो है उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जैसे ही नतीजे निकले सबसे पहले आप अपना सर्टिफिकेट लीजिए और रायपुर आइए। रायपुर में की भी अगर बात करें तो रायपुर में यह कहा गया है कि यह भी कहा जा रहा है कि तमाम जो विधायक हैं जो भी जीतेंगे, जो विनिंग कैंडिडेट्स होंगे, उनको उनकी बाड़ेबंदी भी की जाएगी और उन्हें सुरक्षित जगह पे या तो रखा जा सकता है या ले जाया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ये उस परिस्थिति में होता जब कांटे की टक्कर होती या सीटें जो है दोनों पार्टियों के बीच में सीटों का अंतराल काफी कम होता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है और कांग्रेस 75 पार ला रही है, 60 से ऊपर सीटें ला रही है। सीधे सीधे तौर पर क्लियर मेजोरिटी जो है वो कांग्रेस को मिलेगी, बीजेपी को मौका नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री तो ये भी कह रहे थे कि जो 15 है अभी वो उससे भी ज्यादा घटकर कम हो जाएंगे। तो जाहिर तौर पर दावे अपनी जगह है, लेकिन ये जरूर है कि इंस्ट्रक्शन जरूर दिए गए हैं और इसको लेकर पार्टी का कहना है कि हर पार्टी तैयारी रखती है, जो भी इब्बट होता है उसके लिए तैयारी रखती है, लेकिन हम इस बात को लेकर जो है वो अड़िग है कि हमारी सियासी दल तैयारी किए हुए हैं और उन तैयारियों पर लगातार न्यूज 18 की नजर बनी हुई है। आप तमाम सहयोगियों के जरिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो वहीं अब आगे बढ़ते हैं और जरा कुछ दूसरी खबरों पर भी गौर कर लेते हैं। बात भोपाल की कर लें जहां पर बड़ी खबर आ रही है, कोलार क्षेत्र में युवक का एक शव मिला है। शव यहां पर हत्या कर शव को जलाने का आरोप लगा है। एक हफ्ते से घर से गायब था युवक, परिवार ने युवक की गुमशुदगी की शिकायत दी थी। प्रेम प्रसंग के मामले में हत्या की आशंका जताई गई है। तो भोपाल की कोलार क्षेत्र में युवक का शव मिला है, अधजली हालत में है। परिवार का शक है कि हत्या कर शव को ठिकाने लगाया गया और उसे जला दिया गया ताकि शव की शिनाख्त ना हो पाए। प्रेम प्रसंग के मामले में यह हत्या की गई है, यह जानकारी मिल रही है। एक हफ्ते से युवक गायब था, परिवार ने पुलिस में युवक के लापता होने की शिकायत भी दी थी। और अपडेट इसमें यह है कि ये जांच में निकलकर सामने आया कि जिस लड़की के साथ युवक का प्रेम प्रसंग था उसी के भाई ने युवक को मौत के घाट उतारा है। आरोपी ने युवक को पहले कत्ल किया, उसके बाद खेत में जलाकर उसका शव दफना दिया। पुलिस ने अधजले शव को बाहर निकाला। अब बात भिंड की करेंगे जहां बदमाशों ने दिनदहाड़े फायरिंग कर लोगों में दहशत फैला दी। गोलियों की आवाज सुनते ही वहां मुसाफिरों में भगदड़ मच गया। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, इसमें आप देख पा रहे हैं युवक बेखौफ अंदाज में गोली चला रहे हैं। युवक ने करीब 6 से ज्यादा फायर किए। फायरिंग के इस घटना के बाद पुलिस जांच कर रही है और युवक को पकड़ने के लिए तलाश की जा रही है। तो दिनदहाड़े फायरिंग से यहां पर दहशत देखने को मिली है। गोलियों की आवाज सुनकर राहगीरों में भगदड़ मच गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचेस की T20 सीरीज का चौथा मैच आज खेला जाएगा। रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में मुकाबला शाम 7 बजे से है। एक तरफ सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी है तो दूसरी तरफ मैथ्यू वेड एंड कंपनी है। भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम कर सकती है। मौजूदा सीरीज में मेजबान भारत 2-1 से आगे है। सीरीज को अपने कब्जे में करने के लिए उसे एक जीत और चाहिए, लेकिन क्या ये इतनी आसान है? इस सीरीज में खेलेंगे मैच के आंकड़े, खिलाड़ियों का प्रदर्शन क्या इशारा कर रहा है, रायपुर में कौन रंग जमाने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। रायपुर में जमेगा रंग, बल्लेबाज या गेंदबाज, कौन दिखाएंगे दम, स्पिनर्स या पेसर्स,
कौन उड़ाएंगे गिल्लियां। अब सीरीज जीतने की बारी, सावधान हो जाओ कंगारू, इंडिया की आज है पूरी तैयारी। हम तैयार हैं बल्लेबाजी से भी, गेंदबाजी से भी, स्पिन के जादू से भी और कंगारुओं के रफ्तार से निपटने के लिए भी। आज जब टीम इंडिया मैदान में आएगी तो चौके छक्कों की बरसात होगी। टीम इंडिया के नाम आज की रात होगी, जीत होगी, जश्न होगा, सीरीज फतेह करेंगे और T20 पर राज होगा। क्योंकि फटाफट क्रिकेट के सिकंदर हम हैं और सिकंदर हमेशा प्रभावशाली होता है। सिकंदर जब भी खेलता है तो सबकी नजरें उन्हीं पर होती है, और क्रिकेट का सिकंदर कोई है तो बस टीम इंडिया है। इस सीरीज में कौन किस पर भारी रहा है, एक नजर डालिए। पहले दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की सीरीज, भारत ने 2 मुकाबले जीते, ऑस्ट्रेलिया ने 3रा T20 जीता। भारत सीरीज में 2-1 से आगे है। आज भारत के पास सीरीज जीतने का मौका है। जी हाँ, आज मौका है फतेह करने का, दिखा देने का कि फटाफट क्रिकेट के बादशाह हम हैं। टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाज रंग में हैं, बल्ले से आग की तरह रन बरस रहे हैं। भारतीय सलामी बल्लेबाज के बल्ले से रनों की बारिश हो रही है। किसने लगाया रनों का अंबार? यशस्वी जायसवाल, मैच 3, रन 80। ऋतुराज गायकवाड़, मैच 3, रन 181। ईशान किशन, मैच 3, रन 110। सूर्य कुमार यादव, मैच 3, रन 138। बल्लेबाजों के ये रन बोलते हैं, कंगारुओं को परेशान करते हैं, उनकी गेंदबाजी के लय को ऐसे बिखेर देते हैं मानो वो बेपटरी हो गए। तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज लगातार अच्छी पारियां नहीं खेल रहे हैं, और यही वजह है कि 3 मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने परिवर्तन किए। पहले और दूसरे मैच में मैथ्यू शॉर्ट के साथ स्मिथ बल्लेबाजी के लिए आए, जो कमाल नहीं कर पाए, और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह से हारी। पहले मैच में जोश इनिंग्स ने 110 रन की पारी खेली, लेकिन दूसरे और तीसरे मैच में उनका बल्ला खामोश रहा। पिछले मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने मैक्सवेल के दम पर जीत दर्ज की, जिन्होंने 48 गेंदों में ताबड़तोड़ 104 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत का स्वाद चखाया। ये आंकड़े बता रहे हैं कि अगर आज भारतीय गेंदबाज ने थोड़ी भी मेहनत की तो सीरीज अपने नाम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।